पंजाब में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अमृतसर, जालंधर और पठानकोट जिलों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा राज्य भर में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के पार हो चुकी है। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में शनिवार और रविवार लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शनिवार और रविवार को दुकानें नहीं खोली जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं सेवाओं से संबंधित दुकानें शाम 7 बजे तक सभी दिन खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी या होम डिलीवरी लेने के लिए और शराब की दुकानें भी सभी दिनों में 8 बजे तक खुली रहेगी। हालांकि अन्य दुकानें चाहे वो स्टैंड अलोन हो या शॉपिंग मॉल रविवार को बंद रहेंगी, जबकि शनिवार को वो शाम 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। जिला अधिकारियों ने इन टाइमिंग का पालन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। रविवार बंद होने के अलावा जिला मजिस्ट्रेट संबंधी बाजार संघों के परामर्श सप्ताह के किसी भी दिन गैर आवश्यक दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते हैं, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जहां मामले ज्यादा हैं। ई पास के खिलाफ अंतर जिला आंदोलन की अनुमति दी जाएगी, जो सिर्फ आवश्यक कार्य के लिए जारी होगा, लेकिन चिकित्सा आपातकाल के मामले में किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा विवाह कार्यों के लिए भी ई पास की आवश्यकता होगी। यह सिर्फ 50 विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जारी किया जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।